जनपद फिरोजाबाद को बैंकिंग क्षेत्र में एक नया तोहफा मिला है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलने जा रही है। जिला सहकारिता बैंक ने नाबार्ड के सहयोग से क्षेत्र में मोबाइल वैन को उतारा है, जिसमें एटीएम के साथ साथ सभी बैंकिंग सुविधाएं मौजूद हैं, जिसका फायदा खासकर दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोगों को मिलने वाला है। इस वैन के जरिए सभी एटीएम कार्ड धारक रुपए की निकासी कर सकते हैं, साथ ही बैंकिंग सुविधाओं का भी फायदा उठाया जा सकता है। इस चलती फिरती मोबाइल बैंक का शुभारंभ जिलाधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया, जिनके साथ अतुल प्रताप सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारियल फोड़कर वैन को आगे बढ़ाया। देखिए, मोबाइल एटीएम का यहाँ पर एक वैन है, उसका पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नाबार्ड और डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटिव की तरफ से ये एक वैन है। इससे निश्चित रूप से जो हमारे जनता है, फिरोजाबाद की जनता है, उसको बहुत सारी सुविधाएं, एक चलता फिरता बैंक है, वो अपने खाता भी खुलवा सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर उनको सुविधाएं मिल सकती हैं, एटीएम है। तो इससे सभी जो गाँव के हमारे रहने वाले हैं किसान भाई और सभी जनता है, उनको पूरा जो हमारा बैंकिंग सुविधाएं हैं वो मिल पाएगी, तो बहुत अच्छा उनको लाभ मिलेगा। अपने आप में एक अनूठी योजना है और प्रथम पहल है ये जिला सहकारी बैंक फिरोजाबाद के द्वारा, जो कि जनपद में और मेरे ख्याल से किसी भी कोई भी बैंक यह सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही, जो कि एक मोबाइल एटीएम वैन है। इसको हम खाता खोलने से लेकर के बैंकिंग की सारी सुविधाएं इस बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें सभी प्रकार की बैंकों के सभी कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी बैंक से निर्गत हो, सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड इसमें कार्य करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता बैंक के जनरल मैनेजर वरुण कुमार, बैंक मैनेजर और बैंकिंग क्षेत्र के सभी कर्मचारी मौजूद रहे।